बागेश्वर धाम सरकार में कैसी कैसी दिक्कतें दूर होती हैं, कौन कौन सा रोग ठीक होता है? कोई भी रोग का नहीं, कोई भी रोग का नहीं। दोस्तों, बागेश्वर धाम में अगर चमत्कार नहीं होता तो लाखों भक्त यहाँ नहीं पहुँचते। यहाँ पहुँचने का कारण है कि जो भी भक्त दुखी होकर के आते हैं, यहाँ से खुशी खुशी अपने घर को जाते हैं। कैंसर से ये मरीज से जूझ रहे थे, कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे, तो हम इनसे जानेंगे कैसे चमत्कार हुआ, क्या कुछ हुआ। और अभी जो वीडियो के माध्यम से आप इस भक्त को देख रहे हैं, ये कैंसर का बहुत बड़ा मरीज था। इनके पास कोई भी इलाज नहीं था, जो कि बागेश्वर धाम सरकार जी ने इसको एक पल में, एक झटके में इसको ठीक कर दिया। तो आइए जानते हैं आज बागेश्वर धाम का चमत्कार। बागेश्वर धाम में जो धाम लगते हैं उनका जो चमत्कार है वो अद्भुत है, जो कि जितना उनका प्रशंसा किया जाए वो बहुत ही कम है। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जो भक्त बागेश्वर धाम में जो कैंसर का बीमारी था वो एक पल में, एक झटके में ठीक हो गया। तो आइए इन्हीं से और इन्हीं के आवाज़ में आप लोगों को सुनाते हैं और इनको पूछने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग को सुनना है और समझना है कि नहीं, बागेश्वर धाम में जो धाम लगते हैं तो इनमें क्या क्या जो उनका अर्जी स्वीकारा जाता है, तो इनमें क्या क्या किया जाता है, कैसे आपको सरकार बुलाएगा, तो इनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर मेरे चैनल पे कोई भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।